गुरु की महिमा अजब अनंता, तुलसी कबीर कहे हर संता। गुरु की कृपा से चेला पाया हरी दीदार। एक पौराणिक दास्तान आप सबकी सेवा में पेश खिदमत है। गाने का शीर्षक होगा चेला शक्कर गुरु की महिमा। आप ये बिरहा सुनेंगे, एक नसीहत मिलेगी कि भगवान की भक्ति कैसे इंसान को करना चाहिए। कहना हुआ, एक तर्ज मिला कि याद तुम मुझको करोगी, लेकिन यही भाव में एक शराबी है, किसी को संकेत कर रहा है और क्या कह रहा है कहना हुआ। अरे ला पीला दे साथिया, अरे ला पीला दे साथिया, खाना मैं खाने के बाद ला पीला दे साथिया, ला पीला दे साथिया, खाना मैं खाने के बाद बात मतलब की करूंगा, होश में आने के बाद बात मतलब लेकिन बाबूजी इसी भाव में एक भक्ति के प्रति कवि जी संकेत करते हैं कि एक कैसा भक्त है। ध्यान देंगे बाबूजी, ये मौजी भक्त कितनी अच्छी कहानी बा, क्या कहना है। भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में लोटा आंख में आंसू, हाथ में लोटा आंख में आंसू, जल चढ़ाने के लिए हाथ में लोटा बाबूजी, मौजी भक्त यही काम करने जा रहा है। बहुत दुखी बा, हाथ में लोटा लिया है दोस्त, आंख से आंसू बह रहे हैं, भगवान से बहुत परेशान बा, कंडीशन का है। बाबूजी घर में माँ है, दुल्हन है, उसके पिताजी हैं, लेकिन गरीब परिवार है। बाबूजी माई के आंखी नहीं बा, बाबू एकदम लाचार हैं,
एक घरे में बाबूजी दुल्हन ही आई बा। आज 20 साल हो गए बा, संतान विहीन है, एक भी लड़का नहीं है। मौजी कहा था हम करी तो का करी बाबूजी। यही बाबूजी हमारे गीत और कहानी की शुरुआत होती है, कहना हुआ शायर के भाव में कहना है। पंडित को रोज जाके, पंडित को रोज जाके ओ सुरती खिलाता, बनकी लकड़िया बेच कर परिवार चलाता। माता है उसकी अंधी, माता है उसकी अंधी, पिता लाचार है, घर में आई दुल्हनिया जीवन बेकार है। घनघोर गरीबी है कोई न सहारा, भक्ति में आज लीन है ब्राह्मण को पुकारा। आप सब कहानी समझ लें बाबूजी। भक्त मौजी आज बाबूजी घर से एकदम मायूस होकर वन की तरफ जा रहा है। एक वही गौना में ब्राह्मण देवता रहे, उनकर बड़ा बढ़िया दुल्हों का हिसाबी मेल रहन। ब्राह्मण जी जाके बाबूजी वन में डेली भगवान शंकर जी की तपस्या किया करते थे। अब मौजी के डेली काम रहन, पहले जाय महाराज का सुरती खियावाई। सुरती बाबूजी खिलाने के बाद लकड़िया काटा करता था। छोटा सा गरीब परिवार है। अब बाबूजी आज गुरु महाराज एकदम तपस्या में लीन है, एकदम लीन है। मौजी पहुंच गया, कहे महाराज, ए महाराज। तनी इधर देखा, महाराज फाने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखते ही नहीं है। अब बाबूजी आज महाराज कुछ घरे से अपसेट होकर निकला रहे हैं। महाराज के गुस्सा लग गई, बता वाला इतनी बढ़िया हम तपस्या करते ही, इतनी बढ़िया हम तपस्या करते ही, कि आय के सब खराब कई देश। महाराज आँखी खोल दिए, बाबूजी आँखी खोल दिया, क्रोध में क्या कहते हैं, तर्ज वही है। अरे क्रोध में बोले पंडित बाबा, तू भक्ति को क्या जाने। क्रोध में बोले पंडित बाबा, तू भक्ति चैया, तू उनको भला क्या माने। ईश्वर है ओ कुल के रचैया, बाबूजी यही बात बोल के बाबूजी, बाबूजी यही क्रोधी स्वभाव में आज बाबूजी पंडित महाराज मौजी को फटकार दिए, मौजी को फटकार दिए। तुम ईश्वर की भक्ति को क्या जानोगे, क्या जानोगे। वो तो बाबू सबको देख रहे हैं, सबको बनाए हैं। कहन महाराज हमार कसूर वका है, ए सुरती आपका हम डेली खियावत रहे, आ जाओ ले के चला आए। कहन तू समझ नहीं पाया मौजी, मैं भगवान की तपस्या कर रहा था, शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हुए, वरदान कहें बेटा मांग ले, आज लागे मांगाई तो हमका जगाई दिया, हमार तपस्या भंग हो गए। बाबूजी एकदम फटकार के डांट के बाबूजी आज क्रोध में पंडित महाराज चले गए। मौजी उही वन में बैठा बा, लगा सोचे आ तपस्या करे से इतना बढ़िया काम होत है, अरे भगवान मिल जाथिन। मौजी कहे अगर तपस्या करे से भगवान मिल जाथिन, तो बाबूजी आज पंडित का गुरु मान के कहे चलता है हमहू तपस्या करे, देखी थी हमका मिलत कि नहीं मिलते। बाबू जी महाराज से अपन काम बनाएन, घर खिसियान रहन, सारी गुस्सा मौजी पे आज उतार देहन। अब बाबू जी आज भक्त ही क्रोध में बैठ गया कि जब तक प्रभु आपका दर्शन न पाए, जब तक आपका दर्शन न पाए
हिया से हम ना जा भाई। बाबूजी और मौजी कैसे भक्ति कर रहा है, एक तर्ज मिला मास्टर साहब। देखा ये बहुत पुरान तर्ज या एक बाबा हरे गावत रहे हैं हमारे गुरु जी के, मतलब गुरु बाबा राम आधार जी कैसे गावत रहे, कहीं मनाई न मनाई के मानई हो पाई के जनमावा मनाई से लेकिन बाबूजी यही भाव में कहना है, आज मऊजी आसन लगाए को ही महाराज के आसन पे बैठ गए बाबा, अब फान दिया है बाबूजी, क्या कहना है वही। आज सेवक धिया नावा कैले हो करेला पूजा नावा पंडित कई बतिया बाबू जी मऊजी वही पंडित का बताया हुआ मंत्र आज जाप करतब, हरि ओम हरि ओम हरि ओम फाने है वही का कहना है। अरे मऊजी प्रचार करई पंडित कई बतिया जाप करई भक्त सारी रतिया अरे भोले मगन होई गईले हो करेला पूजनावा आज बाबूजी मौजी का ऐसा तपस्या देखकर ऐसा जाप देखकर भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो गए, एकदम बाबूजी प्रसन्न हो गए। अब बढ़िया से एकदम ढोंगी भेष बनाई के जैसे मंगता भीख मांगा थीन सामने आयन, कहन मऊजी उठो भक्त उठा आँखी खोला, कहन मऊजी सोचता है कि होय न होय महाराज तो नहीं आई गए, बागत महाराज खिसिया गया उतर फिन आई गए। बाबूजी तब देखा मऊजी आँखी खोलत बा तो देखा तो है एकदम मंगता, एकदम मंगता मंगता बना बाबूजी। एक सुबह सुबह का वक्त बा सामने खड़ा है मऊजी, कहे के है तू के है तू। अरे कहन भक्त जेकर तू तपस्या करता है, हाँ जेकर तू तपस्या करता है, अरे हम शंकर भगवान ही। बाबूजी मऊजी लगा सोचे हाँ शंकर भगवान कहूँ ऐसन हो थीन, एकदम भिखारी मंगता बना आई है। कहने काम करा दादा हमसे सीनियर रहा बुढ़ऊ रहा तुहार भलाई हिम्बा चुप्पे से रास्ता ना पिले मारे हमार तपस्या नाश कई डाजा, बताबे इतनी बढ़िया हम भक्ति करत रहे और तू शंकर बन के घूमता है। बाबूजी शंकर भगवान कहन भक्त मैं ही भोलेदानी हूँ मेरा यकीन करो। लगा मऊजी सोचे तो हम तो पढ़ा लिखा तो यही नहीं, कई जान मंगतक बतिया साहिब का, लेकिन कहत महा कहत एक काम कर एक परी कहन का कहन तोहका ही हम पहले पेड़े में बांधब, पेड़े में बांधब हम तो शंकर भगवान कभी देखे नहीं बाटे लेकिन हमारे गुरु जी पंडित महाराज देखे हैं तोहका बांधब। आज बाबू जी शंकर भगवान हंस रहे हैं, बड़ा अजीबो गरीब भक्त है बतावा हमका पेड़े में बांधी। बाबूजी मऊजी का काम करता वही पेड़ में बांध शुरू करता थे का कहना हो। अरे सेवक का प्रेम देख भोले बनी गई ले सेवक का प्रेम देख भोले बनी गई ले
मौजी पंडित बोलैले, अरे नमवाया मारे कई गईले हो करेला पूजनवा आज बाबूजी भगवान शंकर जी को उसी बाबूजी पेड़ में बांध कर मौजी जल्दी से पंडित जी घरे आए। कहे महाराज उठा, कहे काभ मौजी, करे कहन महाराज आज हम शंकर भगवान का प्रसन्न कैले है। तपस्या करते करते एकदम प्रसन्न कैले है। पंडित महाराज लागन सोचे, बता वाला आज हमका 20 साल हो गया, 20 साल हो गया जाय को ही भगवान का तपस्या करत ही, आज तक तो हम पौब नहीं भय कि बतावा काल का भक्त भगवान प्रसन्न कैले हे। कहन लागत है मौजी रतिया बोही तप मतलब बैठा रहन हा, एकर दिमाग उमाग काम नहीं करतबा। कहन मौजी हमारे पास, कहन नहीं महाराज हम सही सही कहा ही, भगवान शंकर का हम प्रसन्न करे और उनका पेड़ में बांध के आवत है। इतने बाबूजी पंडित महाराज लगेन सोचई, बतावा कहूँ भगवान पेड़ों बढ़ाई जाती ये बांध के आवत है, 20 साल तपस्या आज तक कभी नहीं बांध पाए कहूँ, आ जाएगी बताओ पेड़ में बांध के आवत बा। अब बाबू जी यही कहा है, इतने बाबू जी पंडिताइन आई गई, कहीं जब कहा है तो चला जा देख ल, कही जन सही यही हो। बाबू जी आज दुल्हन का बात मान के महाराज चला गए, और देखा है तो वही उनका आम का पेड़ दिखात ब। कहन कहा है मऊ जी, कहन देखा समनवा बांधे है। अब बाबू जी कुछ इनका दिखाते नहीं बा, तो महाराज कहन कैसो ऐसे छुटकारा पाई। कहन हाँ मऊ जी नहीं भगवान है, ये नहीं भगवान है। कह ठीक है बाबू जी, आज शंकर जी के बाबू जी जाके पाँव में मऊ जी गिर गया, लगा रोवे कहे प्रभु हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। शंकर जी कहन उठो बस एक वरदान मैं तुम्हें दूंगा, जोन मांगे कोई मांग ले। तो लगा मौजी सोची कि हम पढ़ा लिखते ही नहीं, का मांगी, चल थी अपने घरा कुछ लहान बैठावाई। मौजी घरा आए बाबू जी तो पहले महतारी के पास आए, कहा था मौजी का बात या, बहुत प्रसन्न रहा का बात या। अरे कहे माई का बताई, आज भगवान शंकर जी हमारे ऊपर प्रसन्न भा है, एक ही वरदान दे बरे, कहा था बताओ माई का मांगी। लगी मतहरी सोचे, अरे बाप रे बाप आज हमका इतना दिन हमार बीत गया, अबे तक हम संसार नहीं देखे कैसे लोग हैं। वही बाबू जी क्या कहना है, हमारे बाबा राम आधार वाली अटई, हाय हाय कहीं मांगा मोरे लाल हो, अरे कहीं मांगा मोरे लाल हो, नया नवाई कई ज्योतिया मांगा मोरे लाल हो, नया नवाई कई ज्योतिया मांगा मोरे। कहें बेटवा जा शंकर जी से है अखिये हमार मांग ले, बेटवा आज तक हम संसार नहीं देखे, बेटवा तुहू को नहीं देखे तू कैसे आहा, जैसी ब्याह करे हमार तक उनहू को नहीं देखे कि हमार स्वामी कैसे आए। कहन जा है मांग ले, का कहत बाबू जी, अंधी महा तारी तो हर दुखारा सुनाए, कैसे संसार होला कुछ ना देखाए, कहन बेटवा अबे तक हम संसार नहीं देखे मुन्ना, जाय की है हमारा खिया मांग ल, और तुहार बेटवा देखा से पाले तुहका बड़ा कई दे, आज तक नहीं देख पाए तुम घरे में खी हमार दुल्हन ही आई बे, वो कैसन बा, का कहत है, कैसे संसार होला कुछ ना देखाए,
चाहिद भोले दानी से बेटवा। अपने महतारी के बिनती सुन ला, अपने महतारी के बिनती सुन ला। कहन अच्छा माई आखी मांग ले, कहन हाँ बेटवा जा शंकर जी से कह दे कि हमरे महतारी के आखी नहीं बे, दई दे हमार महतारी ये सबका देख ले। का कहत बाबू जी? देखा महतारिया और बिनती का करती है, कहा कि पेटावा में बेटा तोहके पाले नौ महीनावा, पेटावा में बेटा तोहके आखी होई जाए तोरे माई के ललनावा। हाँ नाती पोता देखी कब हूँ माना मोरी बतिया, मांगा मोरे लाल हो नयन वही कई जोतिया, मांगा मोरे लाल हो। बेटवा यही बात हमार तू जा भगवान शंकर जी से मांग ल। कहें ठीक है माई, तू रोवा जी महतारी, रोवा जी अगर तू आखी कहा दिया थे मखिए भगवान शंकर से मांग ले। इतने में बाबू जी पतोहिया वही कोने से बात सुनती है, कहें देखा था हमार दूल्हा पगलाई गया है, बतावा अखिले का करही बढ़ौती में, अब कहाँ जाए नजर्रा मारा है, एकदम बुढ़ाई गई है। कहे तो आवाज बताइए इनका बाबू जी बोलाये, कहे हियाँ आवा ए दुल्हा, हियाँ आवा। दुल्हा पहुँच गए ने, कहन का बात ये दुल्हिन, का बात या? कहन बहुत खुशी दिखाता है। कहन कहन खुशी रही? अरे आज हम तपस्या करे बनवा में शंकर भगवान खुशी होई के सामने आये। कहन बेटवा एक वरदान हमसी मांग ले। कहन तू है त्योहार सब सुनत ही हम, का मांगबा? कहन दुल्हिन मन कहाता है अपने अम्मा का आखिर मांग ले, सठिया गया है, बतावा का कर ही ले गया आखी। 20 साल हो गए वह देखा था अपन लहान कुछ गोद सुनी है, संसार बाजिन कहा था एक लड़िक नहीं ने एक मुंह देखा पाप, अदू जाय के हुआ माई बड़े आखी मांगता है। बाबूजी लगा मऊजी सोचे रे बाप भगवान तो बढ़िया फसाई देहन, एक ही वरदान का देहन समस्या उत्पन्न कई देहन। बाबू जी कहन रे तब बताओ का मांगी? कहन दुल्हा हमार बात माना, अजाई के शंकर जी से तू है एक वरदान हमार कहना मान ल। कहन का मांगी? कहन बतावा था बाबू जी दुल्हनिया का कहा कि तर्जबा कि अचरा में दाग लागई कौनौला छना, अचरा में दाग लागई लागे कौनौला छना, जानी जा भी दे सवा कमाई बदे साजना, जानी जा भी दे सवा कमाई बदे साजना। लेकिन बाबूजी यही भाव में दुल्हनिया कहा दिए, दुल्हनिया कहा दिए कि हे सैया हरे मोर करे जा हो, हरे मोर प्यारा दुल्हा हो। अरे देखा था 20 साल हो गए लहान नहीं बैठब, तू हमार बात माना जाय के भगवान शंकर सी है खिलड़ी कई मांग ले। बाबूजी लगा मऊजी सोचे अरे बाप रे बाप, अब माई के आखी मांगी इनका लड़का मांगी।
वरदान एक ही मंगवैया दुई थी। का कहत बाबूजी भाव में लहिनिया आज समझावत कैसे बा। सुनी बसेज झूलाया नाही पालना, सुनी बसेज झूलाया नाही पालना, मांगा है दुल्हा खेलाई गोदी डालना, मांगा है दुल्हा खेलाई गोदी। एकदम बाबूजी आज मौजी दुखी है, एकदम दुखी है। अरे बाप रे बाप, भगवान शंकर जी देखी वरदान का दे है, हमका फसाई दे है, एकदम फसाई दे है। पूरा घर का हमका आज एकदम बर्बाद करे चाहता है। हमार माई कहा थे आखी मांग ले, गुरहिनिया कहा थे लड़िका मांग ले, वरदान एक ही मंगवैया दूर बतावा का करी। हे भगवान रक्षा करा। का कहत बाबू जी सोच ल मऊजी से उजी झगड़ा लगाई ले, सोच ल मऊजी से उजी झगड़ा लगाई ले, सोच ल मऊजी से उजी झगड़ा लगाई ले। ना कहु वरदान दिए घर को लड़ाई ले, ना कहु वरदान दिए घर को लड़ाई ले, ना कहु वरदान दिए घर को लड़ाई ले। चिंता में पड़ी ग भक्ति मांगी कवन मांगना, चिंता में पड़ी ग भक्त मांगी कवन मांगना, मांगा है दुल्हा खेलाई गोदी डालना, मांगा है दुल्हा खेलाई गोदी। बाबूजी यही कहत बे कहे जा दुल्हा, 20 साल हो गए बेटवा का मुंह नहीं देखे, चाहे के शंकर भगवान से यही कि बेटवा मांग ले। अब बाबूजी मौजी भक्त बहुत चिंता में पड़ गया। अरे बाप रे बाप, हम का करी, हम का करी, समझ नहीं पावत है। हमार माई कहत यहा हमारा आखी मांग ले, दुल्हन कहत यहा बेटवा मांग ले। अरे बाप रे बाप, का बताई कैसी पूछी। इतने बाबू चला आवत मायूस हो के, चला आवत बा डगरिया में घरवा के पास एक रास्ता गई रही। पिताजी वहीं बैठा रहन, कहन का हो मऊजी, का हाल बा। कहन का बताई बाबू, बहुत चिंता का बात यह, बहुत चिंता का बात यह। कहन का चिंता बा। कहन इतना दिन तपस्या करे, हम कलई बैठे है, कलई बैठे भगवान शंकर जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया है, प्रसन्न हो गया है। कहने के वरदान जो मांगे कोई मांग ले। कहन बेटवा का मांग बा फिन। कहन का बताई बाबू, माई कहत है आँखी मांग ले, दुल्हन हमार कहत यह है बेटवा ही मांग ले। हम बहुत चिंता में बतावा का मांगी। चौथापन में बुढ़ा लगा सोचे, आज तक हम अमीरी का स्वाद नहीं पाए रहे, अमीरी का स्वाद नहीं पाए रहे, अमीरी का चीज या। अरे रसेदार सब्जी कैसन होत है, अरे बढ़िया वाला चावल कैसन होत है, पुलावे बिना काम चलत बा। अब बाबूजी तो कहन बतावा का मांगी। कहन बेटवा तोहका हम बतावत है मुन्ना, तू घबरा जी बिल्कुल, हम जैसे कही वैसे मांग ले तो हल्लाहन बैठ जाए। बाबूजी देखा बुद्धा कैसे कहत बा, तर्ज बाबू है मास्टर साहब। लागल नया नवा के बान जवान भला कैसे के रही है, लागल नया नवा के बान जवान भला कैसे के रही है, लागल नया नवा के बान जवान भला कैसे के रही है। कितना के बदल लई मान हो, लागला नया नवा के बाद जवान भला कैसे के रही।
बाबूजी इही भाव में आज मौजी के पिताजी मौजिक समझावत हैं। कहें बेटवा हमार बात माना, तू कुछ दिन मांगा बेटवा, हम जोन कहा तही जाए के शंकर भगवान से, तू यह चीजिया मांग ला। का कहत बाबूजी? से उसे मांगा दौलत अपार लचार भला कैसे एक रही है। यह बाबूजी कहत बा कि जाए के शंकर भगवान से तुहे जीजिया मांग ल, यही मांग ल। लगा मौजी सोचे, हाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, बतावा दादा के पास आए कुछ लहान बैठाऊ, ए कुछ बढ़िया चीज हमका रास्ता बतही। बतावा हमार माई कहत है आँखी मांग ल, दुल्हन कहत यह बेटवा मांग ल, बाबू मारन सोहिये उपार देहन। कहन बाबू यही मांग ले? कहन हाँ बेटवा यही मांग ले। बेटवा आज तक हम गरीबी में रह गए, अमीरी के स्वाद चीख ही नहीं पाए, हम का जाने कैसे सब्जी हो तो बढ़िया पनीर वाली। हाँ यही मांग ले बेटवा। बाबू मऊजी कहे अबला, अब हम का करी के करे पास जाई, कैसी का कही? कहें बेटवा एक काम और करा। कहन का? कहें बेटवा एकरे साथे बढ़िया धन दौलत मांग ले है। का कहते बाबूजी? कहाई महले अटारी मांगा सोना चांदी। कहाई बेटवा पक्की बिल्डिंग होय के चाही, तो जान लो जब पक्की बिल्डिंग के सोनो होय के चाही। का कहा था? महले अटारी मांगा सोना चांदी। कबहुना कलेश पाई रहैया जादी। ममता सन ही या दुलार लचार भला कैसे एक रही है। यही बाबूजी कहत है। अब बाबूजी मौजी बहुत चिंता में पड़ गया, हे भगवान नहाकौ एक ही वरदान दे है, नहाकौ एक ही वरदान दे है, और हाँ एकदम बाबूजी हमारे परिवार में मचाई दे है कोहराम। अरे बाप रे बाप, नहाकौ तोहार हम तपस्या करे, ऐसी बढ़िया महाराजा ही ठीक रहें, हाँ झमेलम बढ़िया फंसाई दे। बाबूजी मौजी लगा सोचे कि हम का करी, माई कहना न मानब दुल्हनिया नाराज हो जाई, दुल्हनिया का मानब हमारे पिताजी गुस्साई जाई, हम के कर मानी। तो बाबूजी फिर गवा वही गुरु महाराज के पास, कहे गुरु महाराज कहन का? कहन एक हमार काम और बनाई दे। कहन का मऊजी? कहन भगवान शंकर प्रसन्न भयन, भगवान शंकर प्रसन्न भयन, एक ही वरदान देहन, वरदान एक ही मंगवैया तीन थी, बतावा हम का मांगी। कहन की तो मऊजी हम बतावत ही, तू जाई है चीजिया मांग ल। कहन तुहरे माई का चाही? कहन गुरु महाराज का बताई? हमरे माई
आज तक आँखी संसार देख ही नहीं पाए बा। आँखी के अंधी है, कहना दुल्हनिया का मांगत यह है, कहन महाराज का बताई। आज 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, हमारे लोग हियाँ को लड़िका नहीं है, हमार लोग का गोद सुनी है। कहन अच्छा अच्छा समझ गए, कहन तुहर बाबू का मांगत है, कहन वो तो सोढ़िये उपार देहन, वो सोढ़िये उपार देहन, चला अम्मा हमारे ठीक रही, दुल्हनियों हमार ठीक ही रही, बाबू तो कहता है बढ़िया हीरा चांदी सब मांग ले और कुछ चाहबे नहीं करी। तो कहने काम करा गुरु महाराज, चलते सथवा तनी घूमी आई। अब लगन महाराज सोचे तब ही हमका पेड़े में भगवान दिखावत रहन, हाँ तब ही गए थे पेड़े में भगवान दिखावत रहन, कहूँ हम हो न बान को ही मार आई। अरे बाबू जी महाराज एकदम चिंता में आए, तो कहना मौजी अगर तुहार बात यह है तो हम चलबे भाई, अब का करी हमार तुहार लंगुटिया है राना बा, हमका गुरु मनमऊ करत है। कहन हाँ भाप हमार गुरु जी है, अरे आप के दे नहीं है ना, कहते ना तपस्या हम करीत ना शंकर भगवान अवतर न झमेला ई खड़े हो। कहन ठीक है बाबूजी, तभी गुरु चेला आज बाबूजी वहां पहुंचते हैं, अब वन में पहुंच गए तो बाबूजी देखत है आमे में वही आम फिर देखा तो महाराज के वही आम, कहन मऊजी कहाँ है भगवान, कहने देखा मोम बांधे यही। बाबूजी आज शंकर भगवान हंस रहे हैं कि बड़ा बढ़िया भक्त पाए यही, हाँ बढ़िया बांध के मारी आज ही। आज बाबूजी भगवान भक्त के प्रेम में कैसे बने हुए हैं, अब पंडित देखा तो ही नहीं बा। कहन मऊजी हमका लागत तुहार दिमाग अपसेट हो गए बा, तू जा कहूँ बढ़िया दवाई करावा। कहन हे प्रभु जैसे दर्शन हमका देहा वैसे हमारे गुरु महाराज आई यहाँ इन्हें हुक दे दिया। आज बाबूजी भक्त का कहना मानकर भगवान शंकर जी सीधा वही सामने आ जाते हैं। आज बाबू जब देखा तो है अरे बाप रे, एकदम पंडित महाराज रोवे लागे न, अरे मऊजी मान गए मऊजी, असली भक्ति तुम्हारी है मऊजी, तुम्हारी है, अरे हम बेकार रहे मऊजी। आज बाबूजी कहन बतावा मऊजी का चाहे, कहन हमका कुछ न चाहे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो बतावत है यही तू हमका मांगन दे दिया, यही मांगन हमका दे दिया। आज देखा बाबू जी का मांगा थीन, का कहा तहा कहा कि नया नवा से देखई बुढ़िया, हाँ नया नवा से देखई बुढ़िया, अरे सोने की थाली में नाती करई भोजनवा, नया नवा से देखई बुढ़िया, शंकर जी हमारी यही बात सुना, सोने की थाली में नाती खाई और बुढ़िया देखाई, अरे बाप रे बाप, समझ गए शंकर भगवान कि नहाको तोहका वरदान देहे हम, आस तू अमीरो हो जाबा लड़िको हो जही, अजोन तुहार महतारी अंधी बा वह आखी पाई जाई। कहन जा भक्त अगर मांग ले तो हमहू दे बरे तैयार ही। बाबूजी आज भगवान शंकर जी दई के वरदान चले गए बाबूजी। आज मौजी एकदम दुखी बा, गुरु महाराज और दुखी हैं, रोवे लागे न। कहन मौजी आज से तू महान है, अरे मौजी कहे ना गुरुजी आप महान है, अरे ना हमका कहत्या ना हमका इराय देत्या ना हमका डटत्या ना हम भगवान का तपस्या करी थे। बाबूजी कभी ने आल्हा का भाव दिया है, अरे जीवन सफल कैले दिए वरदनवा भोले, मिट्टी का कलेश भोले भैले अंतर ध्यान, गुरु
आज बाबूजी पंडित महाराज के चरण में मौजी गिर गया, लगा रोवई, अरे गुरुदेव हमका तो आज आप चूज दिलाई दे है जोन बहुत कमई लोग पावत थी, अरे आज तो हम एकदम धन्य हो गए, हम गरेड़िया मनई लकड़ी बेच के परिवार चलावाई वाला, आज आपके चलतन भगवान का दर्शन पाए हमार जीवन धन्य हो गया। वाह आज बाबूजी पंडित गुरु चेला वही एकदम रोवत है, पंडित कहाँ है ना मऊजी, अरे महान तू हा मऊजी, ना तू तपस्या करते ना हमका आज भगवान मिलते, अरे हम तो 20 साल करे कभो नहीं पाए मऊजी, अरे महान तू हा कुछ गुरु चेला में बात चलती है, क्या कहना है तोहरे करनवा मऊजी हरि दर्शनवा पाए, चेला बनावा मऊजी रहबई हम गुलाम, मऊजी कहे कि गुरुवर नरकौना जगावा पैबे, चेला के अपने जिनकार पैमा, गुरु जी अपने चेला का ना अपमान करा, अरे महान तो आप हा, महान ताया आप हा, ना हमका बतौत्या ना आज शंकर जी का हमका दर्शन मिलते, हमका गुरु जी चेला आप बनाई ले, कह नहीं मऊजी हमका तू चेला बनाई ले, अरे असली भक्ति तू करे, कह नहीं गुरु जी आपक दिखावा सब रास्ता रहन है, आपक रास्ता दिखावा रहन तो बाबू जी गुरु चेला आज बाबू जी से मिलते हैं, रोने लगे बहुज बिरहा शिक्षा मिलत है कि गुरु ने निंदा कीजिए गुरु साई के पार, गुरु की निंदा कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, गुरु जी इस बिरहा में आपको शिक्षा मिली, गुरु जी बाबू जी भगवान को कभी देखे नहीं थे, ढोंग तपस्या करते रहे हैं, लेकिन आज देखा चेला के माध्यम से गुरु जी को भी दर्शन हुआ भगवान शंकर जी का, ई बड़े बहन कहना बाबू जी अपने चेला का बढ़िया संस्कार दे चाहे बढ़िया सिखावे चाहे, तो बाबूजी क्या कहना है अंतिम भाई, अरे गुरु चेला के चर्चा आज उजागर भैले, अरे चेला भैले जब शक्कर गुरु आदर पहले, बाबू जी हमारे बिरहा का शीर्षक रहन चेला शक्कर गुरु की महिमा, एक पौराणिक दास्तान आप सबकी सेवा में सुनने को मिला, हमें आशा है आप सभी बिरहा शिक्षा लेबा, हमारे जो भी माताएं बहन बुजुर्ग हैं चेला गुरु जो भी कोई है संसार में इस बिरहा से नसीहत लेने वाली बात है, बड़ा बढ़िया बात आपको सुनने को मिलेगा, तो बाबू जी ऐसे गुरु को ऐसे चेला नहीं होना चाहिए, अपने चेला का बढ़िया जितना सीख सब सिखाई जाया, बाबू जी अंतिम में क्या कहना है, गुरु न निंदा कीजिए सबके हैं अवतारी, हैदर अली जुगनू कहा राम धार जी पारी, अरे नयनवा से देखई बुढ़िया शारदा कहा भूपेंद्र गजबई बाटई पुड़िया, नयनवा से देखई बुढ़िया।